हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए क्रिसमस स्पेशल केक की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत ही इजी है। तो ये आपको मैं कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितना स्पॉन्जी हुआ है। और इसमें मैंने ना ही एग का यूज़ किया है और ना ही इसे मैंने ओवन में बनाया है, इसे हम कुकर में ही बनाएंगे। कुकर में ही बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो देखिए एक अंदर से कितना सॉफ्ट है, कितना स्पॉन्जी है। ये देखिए मैं आपको निकाल करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो इस क्रिसमस आप ज़रूर इसे बना करके ट्राई करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, जिसे छोटे छोटे कट कर लिए हैं। इसमें खजूर है, ब्लैक वाली किशमिश है, काजू बादाम है। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे ऑरेंज जूस, मार्केट का आप कोई भी ऑरेंज जूस इसमें डाल सकते हैं। और इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए सोक करके रख देंगे, उसके बाद ही हम केक में इसे डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम केक को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेमल बनाएंगे। एक पैन लूँगी और उसमें 4 चम्मच चीनी को डालूँगी और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हम मेल्ट करेंगे। तो देखिए चीनी जो है हल्की हल्की मेल्ट होने लगी है। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, इसमें फिर हमको पानी को डालना है। देखिए ये मेल्ट हो गया है। अब इसे हम बहुत ही सावधानी से थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए ये बन गया है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। इसे डालने से केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब एक कटोरी लूँगी और इसमें आधा कटोरी में दूध डालूँगी और 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप यहाँ पे बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। घी और बटर दोनों को ही आप मेल्ट करके डालिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर इसमें हम मैदे को डालेंगे। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं एक छन्नी रखूँगी और इसमें हम मैदे को डालेंगे। तो एक कटोरी मैंने मैदा लिया है और उसी कटोरी से हम आधी कटोरी चीनी लेंगे, पीसी हुई चीनी है ये। और 1 इंच दालचीनी लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था। और 2 चम्मच कोको पाउडर। दालचीनी डालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, इसे स्किप नहीं करिएगा, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे अच्छी तरह से चाल लेंगे। फिर उसके बाद से बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि एक भी लम्स ना रहे इसमें। जैसे जैसे इसे मिक्स करेंगे, इसका कलर बहुत ही अच्छा आता जाएगा कोको पाउडर की वजह से। ये देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे। तो अगर आपके पास है तो आप 4 बूंद डाल दीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद से हम जो कैरेमल बनाए थे उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कैरेमल हमें उतना ही डालना है जितने की जिसके वजह से हमारा जो बैटर है वो ज़्यादा गीला ना हो, क्योंकि अभी जो हमने ड्राई फ्रूट को सोक करके रखा है ऑरेंज जूस में, उसे भी हमें इसमें डालना है। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर इसको डालने के बाद से आपका बैटर थोड़ा पतला हो जाता है, तो ऊपर से हम थोड़ा सा और मैदा डाल लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि अगर आपका बैटर ज़्यादा पतला हो गया तो केक जो है अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। मेरा अभी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 चम्मच और बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच। इसे डाल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। एक साइड में मैंने कुकर को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद से हम फटाफट इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। केक टिन को भी मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप नीचे लगा सकते हैं। और इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे पूरे बैटर को।
अच्छी तरह से। और इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर बबल्स निकल जाए। ऊपर से मैं थोड़े से और ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, आप चाहें तो आधे पकने के बाद केक के तब डाल सकते हैं, जिससे कि ये जो ड्राई फ्रूट है ज़्यादा अंदर ना जाए, सारे ऊपर ही दिखाई दें। ये कुकर जो है प्री हीट हो गया है, इसमें हम रख देंगे कुकर को, और कुकर के जो रबड़ होता है ढक्कन का उसे हम निकाल देंगे और बंद कर देंगे ढक्कन को। 30 से 40 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही पकाना है, कुकर को बार बार खोल करके नहीं देखना है। देखिए केक बन करके रेडी हो गया है, पूरे 40 मिनट लगे हैं इसे बनने में। कितना अच्छा दिख रहा है देखिए, मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।